पूरी जंग कीव पर कब्जे को लेकर हो रही है, जो पूरी तरह से जंग के मैदान में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, न रूस रुकने को तैयार है और न यूक्रेन झुकने को तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की है। चार दिन से कीव धमाकों से दहल रहा है, न रूस रुकने को तैयार है न यूक्रेन झुकने को। यहाँ दहशत का आलम यह है कि आज तक संवाददाता गौरव सावंत जब कीव पहुंचे तो एक गोली उनके बगल से निकली। Standing with my hand raised in front of the Ministry of Defense, we were almost shot at once again, and a very nervous moment. I think got some bits of it on camera, and I think I'm going back to the railway station because there's curfew here. Kiev se 40 kilometer dur ek petroleum base ko Rusi sena ne tabah kar diya. Ek hamla aur ye pura oil base आग की लपटों में धू धू कर जल उठा। खबरें हैं कि कीव के परमाणु कचरे में भी रूस ने मिसाइल गिराई है। कीव के ऊपर लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं, वहीं पूरे रूस में रुक रुक कर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कीव में कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं और गांव की ओर जा रहे हैं। पूरा शहर धुआं धुआं है, तो लोगों को घरों की खिड़कियां बंद रखने की हिदायत दी गई है। कीव में रूस की सेना पूरी तरह से डटी हुई है, शहर के रिहायशी इलाके सुनसान पड़े हैं। रशियन स्पेशल फोर्सेस अंदर एक्शन कर रही है और नॉर्थ में तो उन्होंने काफी इलाके पे कब्जा कर लिया है। इन लोगों का कहना यह है कि ये रूस के लिए इतना आसान नहीं छोड़ेंगे और ये किसी को ऐसे जिंदा निकलने नहीं देंगे। इस बीच रूस ने एक बार फिर बातचीत की बात कही है, लेकिन रूस की ये पेशकश यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ठुकरा दी है। रूस ने बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है, लेकिन जेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि बातचीत वहीं होगी जहां से मिसाइलें ना दागी जा रही हैं। रूस बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जेलेंस्की ने वारसा, इस्तांबुल या बाकू में बातचीत की बात कही है। Всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы. खेल इतना आसान नहीं है। जिस खेल की शुरुआत रूस ने की, वहां वो अब फंस चुका है। चार दिन में कीव में कब्जे का ख्वाब देख रहा रूस जान गया है कि जंग लंबी चलेगी। जंग जितनी लंबी चलेगी रूस को उतना ही नुकसान है। यही वजह है कि रूस बार बार बातचीत का दांव खेल रहा है, तो इतने नुकसान के बावजूद यूक्रेन शर्त के साथ बातचीत की बात कर रहा है। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन, आज तक।